किसे मार देते पहले ड्रम भैया, निकालने का सबसे गलत तरीका वही होता है जो लोग हथौड़ी मार के इसमें निकालते हैं। ड्रम कभी भी निकालें, हमेशा पूलर की मदद से निकालें। और अगर आप मार्केट में पूलर आपको बहुत महंगा पड़ रहा है तो ऐसे आप जुगाड़ वाला पूलर बना सकते हैं जो काफ़ी सस्ता और काफ़ी मजबूत रहता है। डीजल पेट्रोल के, तो दोस्तों इसमें हमारा सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आपको अगर ऐसा कोई भी काम करवाना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मौर्य ई रिक्शा इंजीनियरिंग में आपका स्वागत। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अपनी मिनी थार का आज कुछ ब्रेक संबंधित काम कर रहा था और सर्विस इसकी पूरी कर रहा था, तो सोचा आपसे भी इसकी वीडियो साझा की जाए। तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरी मिनी थार है और जो मैंने खुद बनाई है। और आप कहीं कहीं इसको बहुत, जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमने एक तरफ का चक्का पूरा सर्विस कर लिया और ब्रेक वगैरह सारा सेट कर दिया। और आइए आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, दूसरी तरफ से कैसे हम इसको ओपन करते, क्योंकि हमें उसका ओपन करते हुए नहीं दिखाया था, आपको इसका ओपन करते हुए दिखाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले इसमें चीरा फिल्म लगी रहती है, इसको पहले निकाल लें और चक्का उठाने से पहले थोड़ा सा इसको ढीला कर लें ताकि आपको आसानी रहे खोलने। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चक्का को ढीला कर लिया है, अब इसमें जग लगा देंगे। जैसे दोस्तों देख पा रहे हैं, इसमें जग लगा लिया, हम सारे नटों को बाहर निकाल लेंगे और ड्रम को बाहर फाइनली निकाल के आपको दिखाते हैं अपनी मिनी थार की पूरी सर्विसिंग कैसे करते हैं। तो ये दोस्तों, कई लोग का सवाल रहता है कि मान लीजिए हमने गाड़ी बनवा लेते हैं तो इसकी सर्विस कैसे होगी, मेंटेनेंस कैसे होगी। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इसमें हमने जो डिफेंसर वगैरह इस्तेमाल किया है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा वाला इस्तेमाल किया है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ईजिली और काफ़ी कम कॉस्ट में इसकी सर्विस मेंटेनेंस आपको हो जाएगी। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें दोस्तों कि आपको इसमें सर्विस वगैरह में कोई दिक्कत आएगी या कुछ कोई पार्ट वगैरह में आपको दिक्कत आएगी, सारा पार्ट इसका इजीली आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी रिक्शा शॉप पे आपको सारा इसका पार्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो इस चीज़ से दोस्तों बेफिक्र रहें, आप कोई टेंशन नहीं आएगी, इसमें स्पेयर पार्ट वगैरह आपको इजीली इसका सारा स्पेयर पार्ट आपको मिलता रहेगा। कुछ लोग दोस्तों क्या गलती करते हैं कि आपको एक और जानकारी दे दो, कुछ लोग गलती क्या करते हैं रिक्शे वगैरह में, इस एक्सल पे चोट मार के निकालते हैं ड्रम को। तो इससे होता क्या दोस्तों, इसका जो आगे हिस्सा है काफ़ी मोटा हो जाता है और इसकी ये चूड़ी ख़राब हो जाती है, तो जल्द से हमें बहुत जल्दी हमारा एक्सल ख़राब हो जाता है और एक्सल को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करें दोस्तों, हमेशा पूलर का इस्तेमाल करें। मार्केट में भी रेडीमेड भी पूलर आता है, अगर नहीं आता तो आप ऐसे ऐसे नए पूलर बनाए और ऐसे भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो हमेशा पूलर का इस्तेमाल करें दोस्तों, जिससे कि आपके एक्सल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी और आपका एक्सल काफ़ी लॉन्ग लाइफ चलेगा। कुछ लोग गलती दोस्तों यही करते हैं कि मैंने कई वीडियो में देखा, यूट्यूब पर लोग बताते हैं कि ड्रम को निकाल ले, ऐसे निकाले। जैसा कि मेरा दोस्त देख पा रहे हैं, पूलर एक खूब करीबन 5 साल से ऊपर हो गया मेरा पूलर आज तक चल रहा है। तो ये पूलर सबसे अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। अगर आपको मार्केट का परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों ऐसा भी आप पूलर बना सकते हैं, इससे काफ़ी ईजी तरीके से आपका ये निकल जाता है। रिक्वेस्ट करूँ बस दोस्तों, आराम से आपको कुछ ऐसा ले लेना है और ऐसे लेके आराम से इसे थोड़ा टाइट करना है। और अगर घूम रहा हो इसमें कुछ आप फंसा दे तक घूमे हैं, जैसा कि आप देखेंगे मैं इसमें अपना ये रिंच इसको फंसा दूंगा ताकि ये घूमे ना और काफ़ी आसानी से निकल जाता है और इससे आपका सेफ भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, काफ़ी आसानी से हमारा पूलर निकल गया, ड्रम निकल गया है पूलर की सहायता से और हमारे एक्सल पे बिल्कुल भी कोई चोट वगैरह नहीं आया, जिससे हमारा एक्सल भी बिल्कुल परफेक्ट और ओके कंडीशन में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमेशा आप भी जब भी ऐसे ड्रम से आप एक्सल से आपको ड्रम निकालना हो तो हमेशा कूलर का इस्तेमाल करें, ना कि हथौड़ी वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि हथौड़ी वगैरह इस्तेमाल करने से एक्सल आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और अंदर जो क्राउन में आवाज़ आ जाती है, लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी आवाज़ आ गई दोस्तों, जब इसका आप झटका देते हैं तो अंदर भी जाकर चोट पहुंचाता है, जिससे काफ़ी जल्दी हमारे क्राउन से आवाज़ भी आने लगती है। तो अगर आप ऐसे ड्रम निकालते हैं दोस्तों तो आपको क्राउन में जल्दी कभी आवाज़ नहीं आएगी और आपका ड्रम भी बिल्कुल सेफ निकलेगा और आपका एक्सल बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आइए सारे कुछ को निकाल लेते हैं, निकाल के आपको
आपको सही तरीका बताते हैं, क्योंकि ये देखिए ये जो सर्विसिंग कर रहे हैं ई रिक्शा वाले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ई रिक्शा वाले भी बिल्कुल ऐसे सर्विसिंग कर सकते हैं और ये बहुत सही तरीका और बहुत किफ़ायती तरीका है। इसमें आपकी जो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और आपके सारे पार्ट मुझे बहुत सही तरीके से निकल जाते हैं। इसलिए सही तरीका अपनाएं, ना कि थोड़ी सी समय बचाने के लिए या थोड़ा सा जल्दी करने के लिए आप गलत तरीका ना अपनाएं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें। और कुछ लोग का दोस्तों ये भी सवाल रहता है कि जैसे हम कभी कभी ब्रेक निकालते हैं, ब्रेक सेट नहीं होता, तो इसमें जैसे अगर आपको पता नहीं है तो आप इसमें ऐसे निशान भी बना सकते हैं ब्रेक शू में, बारिश का कौन सा था ब्रेक शू का। और एक तरीका और बता दूंगा, अगर आप निशान बनाना भूल गए तो फिर कैसे आप पहचाने कि कौन सा ब्रेक शू ऊपर का था, कौन सा ब्रेक शू नीचे का था। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, आपको बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बेहतरीन जानकारियाँ मिलेंगी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, ये निशान आप इधर देख लीजिए और इस पर बाहर की तरफ बना हुआ है। तो आप ये चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका ये जब ये कैंप किस दिशा में घूम रहे थे, जब आप घींच रहे थे उसको इस दिशा में घूम रहे, तो इसके हिसाब से दोस्तों ये वाला जो निशान बन रहा है ये आपका ऊपर का ब्रेक शू है। जैसा कि आप देख रहे हैं जब ये घूम रही है तो इधर से उठा रही है, तो इसको आप ध्यान दे लें कि अगर आप निशान मारना भूल गए हैं, कुछ दोस्तों का ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि निशान नहीं मार पाते और भूल जाते हैं तो ब्रेक शू वगैरह फिट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप इस चीज़ से भी पता कर सकते हैं कि आपका ब्रेक शू ऊपर का कौन सा था, नीचे का कौन सा था। तो देखिए दोस्तों ये गेम का उठा हुआ है इधर से रहा, तो इस पर निशान मर रहा है, तो ये आपका ऊपर का ब्रेक शू हो गया और ये आपका नीचे दबाव कर रहा है तो ये नीचे का ब्रेक शू हो गया। दोस्तों तो आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे बिना स्किप किए तो ऐसी ऐसी जानकारी आपको वीडियो में बहुत मिलेगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वॉच करें अगर सही जानकारी आपको चाहिए तो। जैसा कि देख पा रहे हो दोस्तों मैं इसका ब्रेक शू प्लेट वगैरह खोल लिया है। और एक गलती और लोग क्या करते हैं, इस बैरिंग को निकालने के लिए जिसका फ्री रहता है उसका तो आसानी से निकल जाता है, जिसका फ्री नहीं रहता है तो इसमें लोग क्या करते हैं ऐसे रिंच वगैरह फंसा के या ऐसे कुछ करके निकालते हैं तो इस एक्सल पे दाग पड़ जाता है। जब दाग पड़ जाता है दोस्तों तो वो ड्रम जो है ड्रम सीधा नहीं फिट होता है और कटते कटते एक्सल की भी लाइफ कम होती है और ड्रम भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको भी निकालने का आपको सही तरीका आज हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं हैंडमेड, मैं खुद अपना कूलर बनाया हूँ, हैंडमेड कूलर में बनाया हूँ अपना, तो ऐसा कूलर आप बना सकते हैं और इससे देखेंगे काफ़ी इजी वे से आपका ये बैरिंग जो बाहर आ जाएगा। और इस तरह का कहीं से भी आपको बैरिंग निकालना हो तो आप ऐसा कूलर बना के उससे बैरिंग आप निकाल सकते हैं और काफ़ी ईजी और काफ़ी आपका अच्छे से निकल जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आपको ऐसे फंसा देना है और फंसाने के बाद आप इसका रिंच लगा करेंगे आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जब लोग चोट मार के निकालते हैं दोस्तों पूरे एक्सल पे दाग पड़ जाती है जिससे एक्सल की लाइफ हमारी काफ़ी कम हो जाती है। तो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर एक्सल इतना जल्दी ड्रम हमारा क्यों कट जाता है या एक्सल इतना जल्दी क्यों ख़राब है। देख सकते हैं दोस्तों आप बिल्कुल एक उंगली से ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल आसानी से देखिए आप कितनी आसानी से ये बैरिंग पूरी बाहर आ गई और कोई टूट फूट भी नहीं हुआ और कोई बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगी निकालने में, बिल्कुल आसानी से हमारा ये देख सकते एक्सल दोस्तों बाहर आ गया।